इस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने ठोका शतक, लेकिन तारीफ की जगह बुराई कर रहे लोग, जाने वजह। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के हैरिस सोहेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शाहजहां वनडे में शानदार शतक जमाया और वो आखिरी तक 114 गेंदों में 102 रन बनाकर नाबाद रहे। अपने करियर का 27वां वनडे खेल रहे सोहेल का यह वनडे में पहला शतक था, लेकिन उनके इस शतक पर खुश होने की बजाय लोगों ने जमकर उन पर गुस्सा निकाला। सोशल मीडिया पर सोहेल की धीमी बैटिंग को लेकर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सोहेल ने अपने शतक के चक्कर में अंत तक धीमी बैटिंग की, वरना स्कोर 300 के पार चला जाता। वहीं लोग इमाद वसीम की बैटिंग की तारीफ कर रहे हैं। वसीम ने मैच में 13 गेंदों में 28 रन बनाए और धाकड़ अंदाज में बैटिंग की। पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकबल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के साथ करीब 2 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। इससे पहले वो आखिर बार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते नजर आए थे। उन्होंने पहले ही मैच में आते ही कहर बरपा दिया और छक्कों की बौछार कर दी। उमर ने 50 गेंदों में 48 रन की पारी खेली, लेकिन इस दौरान उन्होंने तेज गेंदबाज जाय रिचर्डसन को जमकर निशाना बनाया और उनके ओवर में 3 छक्के लगाए। इस तरह से उन्होंने रिचर्डसन की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। गौर करने वाली बात यह है कि अकमल ने अपनी पारी के दौरान कोई भी चौका नहीं लगाया और 3 छक्के ही लगाए। इस मैच में हैरिस सोहेल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया और वो आखिर तक 104 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 114 गेंदों का सामना किया। इसके दौरान उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। उनके अलावा शान मसूद ने 62 गेंदों में 40 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके लगाए। वहीं फहीम अशरफ ने 27 गेंदों में 29 रन की पारी खेली। आखिरी ओवर में इमाद वसीम ने जमकर हिटिंग की और 13 गेंदों में 28 रन बनाए। इस तरह से पाकिस्तान ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 282 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। जाय रिचर्डसन ने 8 ओवर में 66 रन देकर 1 विकेट झटका। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।